प्रेजेंटेड बाय चार भुजा लाइव कालियास। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए लेकिन अपने भक्त का मान कभी टलते नहीं देखा। ये भगवान की लीला अपरंपार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये धरती पर नरसिंह जी जैसा भक्त होया। देखो गोलोक में नरसिंह जी शंकर भगवान के साथ में एक बार गया है, लेकिन भगवान कृष्ण नरसिंह जी ने, क्योंकि नरसिंह तू मारने के एक बार आयो है, लेकिन ये धरती पर जदे जदे थाने जरूरत पड़े मारी और धरती पर मैं बार बार थारे ले आया। इसीलिए कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। काशी जाओ चाहे मथुरा जाओ, थे करजो गंगा में स्नान, लेकिन प्रेम बिना नहीं रीजे भगवान। प्रेम के बिना भगवान को नहीं पाया जा सकता। और नरसिंह जी के लिए भगवान एक बार दो बार तीन बार ना आया, 52 बार धरती पर आया। भक्तमाला में आता है कि 52 बार धरती पर भगवान कृष्ण नरसिंह जी के लिए आए। भक्त की महिमा अपरंपार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा या गाने या सुनने से पहले अगर कोई मेरे भक्त की महिमा गाता है तो सबसे पहले मैं भव सागर उसको पार करता हूँ। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी महिमा गाओ या भले ही मत गाओ, लेकिन मेरे भक्त की महिमा जो गा दी उसको मैं भव सागर पार करता हूँ। कोई सुन लेता है या गा देता है तो सबसे पहले भव सागर में उसको पार करता हूँ। क्योंकि गज और ग्रह लड़ियो जद समुद्र तालाब का मैंने सरोवर का मैंने एक मंगर बीचकर और गजराज के बीच में लड़ाई हुई, जो सभी जाने कीर्तन। गजराज और मंगर का बीच में लड़ाई हुई, गजराज पानी पीबा के लिए मिले उतरियो हाथी और मगर वहां को पैर पकड़ दी दो। बरसात तक वहां के बीच में युद्ध चलियो। बारिश का टाइम में मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा हो जाती, गर्मी का टाइम में हाथी की शक्ति ज्यादा हो जाती, लेकिन एक क्रम में ऐसी जोरदार बारिश पड़ी कि मगर की शक्ति ज्यादा बढ़ गई। तो हाथी भगवान ने याद करवा लाया, वैकुंठपति भगवान विष्णु ने याद करवा लाया। तो भगवान उन टेम में खानो खा रहा देखा, भोजन कर रहा। तो उन टेम का महीने जो ही गजराज की पुकार सुनी और भगवान भोजन करता था ऊट और चाल वाला आ गया, तो लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ी दूर के बाल आ गया, भगवान आप कभी भोजन को ना उठा, लेकिन आज सीखी विपदा पड़ी आप जा रहे हो, लेकिन भगवान क्योंकि आज मारा भक्त विपदा पड़ी है और मैंने जानो पेड़ी मारो भक्त मैंने याद कर दिया। तो लक्ष्मीपति भगवान गरुड़ पे बैठ रवाना होया, लेकिन भगवान ने अचान लागू कि आपा गरुड़ पे चाल रहा, लेकिन आपा फिर भी आपा ने देर हो सके। तो भगवान गरुड़ ने हटा दियो कि तू अटक रहे मने जावा, भगवान खुद दौड़ वाला गया, लेकिन तो भी भगवान ने लाया कि आपा ने देर हो जाए। तो भगवान सुदर्शन चक्र ने फेंक्यो और सुदर्शन चक्र ने फेंक्यो तो मगर की गर्दन काट दी और हाथी ने छुड़ा दी और हाथी छूट और तालाब का किनारा आयो। भगवान पहुंचा गजराज के पास में। अब गजराज खड़ो, भगवान ने एक नजर देखा, उसके बाद में भगवान ने देखा। भगवान मन में सोच पा लाया मैं आयो इकल है, यो मारो बात न कर रहे हो, मैं कि आज प्राण की रक्षा करी लेकिन मारो बोल न रहे हो, बात कही। तो भगवान गजराज ने पूछ लियो, तो गजराज कह रहा है कि भगवान आप मारे ले थोड़ी आया, आप तुम्हारा दुश्मन के लाया, आपका हाथों जो मर जावे वो तो बैकुंठ को वासी हो जावे। आप मारे ला आता तो मने बैकुंठ में खा जाता, मारा बेली उन्हें खाना जो। पर भगवान कभी उलझते नहीं है। भगवान क्यों बात कही ही थक दो के बीच में कही लड़े ही। तो गजराज के भगवान वाकर मार बीच में कही लड़े नहीं, मैं पानी पीबा के उतरो तो मारो पैर पकड़ लियो। भगवान को तारो पैर पकड़ियो, हाँ मारो पैर पकड़ लियो। तो बैकुंठ में जाने का कारण भी दिए यही है कि मेरा पैर पकड़े ना पकड़े लेकिन कोई मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है तो सबसे पहले मैं भव सागर उसको पार करता हूं। इसलिए बैकुंठ में सबसे पहले उसको जाना पड़ा।
इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा गाने या सुनने से पहले अगर कोई मेरे भक्त की महिमा गा लेता है तो सबसे पहले मैं वो सागर उसको पार करता हूँ। इसीलिए बार बार तो नरसिंह जी की कथाएं होती रहती है। तो आइएगा, मैं भी एक रामायण से छोटा सा प्रसंग रख रहा हूँ आपके बीच में। ये वाक्य उस समय का है जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और भगवान चलकर गंगा के किनारे आए। गंगा के किनारे आकर केवट से नाव मांगी। भगवान स्वयं राजा के बेटे हैं और स्वयं त्रिलोकी के नाथ हैं, तो भी अपने भक्त से कुछ मांग रहे देखेगा। पर मांगी नाव ना केवटियाना। भगवान बार बार केवट के नाव लाने के बोल रहे, केवट नाव नहीं ला रहा और सुमंत जी छोड़ने आए वो जा नहीं रहे, बड़ी समस्या होगी। लक्ष्मण जी ने हंसी आएगी, भगवान ठाकुर तटे खोई खोई न कर रहा, भगवान की हमारी बोलनी खराब होगी। बोलनी अगर दुकान पर सुबह फेरी कोई उधार मांग पा जाओ तो बोलनी खराब हो जाओ। अच्छा ना, हमारी भी बोलनी घरों ही खराब हो जाएगी। वनवास तो मन अकेला नहीं हो। चुगिदा बरसी राम बनवासी। वनवास तो मेरे अकेले को हुआ, मुंह थन नटियो की ठूठ रहे पर तू भी न मानियो। सीता ने भी नटियो पर यह भी न मानी। जो मारी घरे होने ही नकली थे, जो तो मंगरा में कोई होना ही कर रहे हो। भगवान ने केवट को पूछा कि नाव क्यों नहीं ला रहे हो, तो केवट कहने लगा, छुबती शिला भई नारी सुहा। ए भगवान, आपका चरणा में बड़ी चमत्कारी धूल है। एक टेम का महीना आप बाटा की लुगाई करना की ना हो, तुम्हारे लकड़ी की आप तो बाटा नहीं नबक्शियो। जो ही नाम हड्डिया रे लुगाई बन जाए, वह लुगाई बनी जो कण क्षय महाराज के रेवा लागी। भगवान अटे अटे बड़े तो क्षय महाराज भी बोले जी उकी भरा जावे, है ना। या जाए तो मारे ला रही मारे घर की लुगाई खलेस के रही। देखो लुगाई ने हम जाबो बड़ी भारी बात है। मारा घर की बात के तुम्हें 60 रुपए किलो मिर्चा ले गयो मगर, है ना। 60 रुपए किलो मिर्चा ले गयो की भाव लाया जो 60 रुपए की किलो है पाटी। लेकिन देखो लुगाई लुगाई मिल जाओ बाता करवा लाग जाओ, ऐसा नहीं बाणा में लुगाई आएगी बाता करवा लागी। माँ के आज मिर्चा लाया हो की भाव लाया 60 रुपए किलो, थान की भाव लाया माँ के 15 रुपए पाव लाया। ओहो देखो मारा माटी ने 60 रुपए दिया हो। बात बाकी वही है। जब देखो औरत को समझाना बड़ी मुश्किल बात है। लक्ष्मण जी को केवट थारी लुगाई थारो नहीं हम जाने आ रही, तू राम जी ने हम जावा चाल दे। क्यों भगवान को समझाना सरल है, लेकिन घर की लुगाई ने हम जाओ बड़ी भारी बात है। तो भगवान ने कहा कि करना क्या चाहिए, तो केवट कहने लगा कि प्रभु आपके चरणों को धो देना चाहिए, फिर वो धूल नहीं रहेगी, फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब केवट घर गया, कछोटी लेकर आया, कछोटी में घर से पानी लाया, उठ गंगा जी मेरी जो पानी ओचो पोटो दादा वही कह। घर से पानी लेकर आया, भगवान श्री राम को कछोटी में खड़ा कर दिया। अब भगवान कचोटी में खड़ा अटी गटी हालिया गणा केवट के भगवान गणा हेकड़ी मत उबारो पड़ जाए वाला खाई गारंटी को ना। आप ऐसे करो आपका दो ही हाथ मारा माता पर रख। अब देखिएगा भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पर और भगवान के दोनों चरणों को अपने हाथ में लेकर भगवान के हाथ पैरों को धो रहा है। जो पद ब्रह्मादि के नहीं धोए वो पद केवट मल मल के धोए। और देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी, क्योंकि संसार में ऐसा भक्त नहीं हुआ जो भगवान के दोनों हाथों को अपने सिर में ले ले और भगवान के दोनों चरणों को अपने हाथों में ले ले। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है और ऐसा भक्त संसार में नहीं हुआ। और भगवान श्री राम को नाव में चढ़ाया और गंगा मैया से कहने लगा कि हे माँ, आज मैंने भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे दर्शन की घड़ी कम मत होने देना। और कह रहा है, हो मेरे रघुबर जी उतरेंगे पार। गंगा मैया से केवट कह रहा है, हे माँ
हो मेरे राम जी, हो मेरे राम जी, हो मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, हो गंगा मैया तीरे बहो। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया तीरे बहो। ओ गंगा मैया तेरी दवैया, मैं माजी रे मेरी काठ की नैया, कहने लगा कि हे गंगा मैया, आज तुझे तेरे पानी की कसम है, आज एक हिलोर भी नहीं आनी चाहिए। भगवान श्री राम को अगर पता चल गया कि नाव पानी में नहीं चल रही या धीरे चल रही, और भगवान श्री राम ने मुझे कह दिया कि मुझे जल्दी पार उतार दो, तो मेरे दर्शन की घड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए कह रहा कि इतना धीरे बहो, इतना धीरे बहो, और केवट आगे नहीं ले जा रहा नाव को, वहीं का वहीं पे घुमा रहा है, दूसरे पार नहीं ले जा रहा है। लक्ष्मण जी ने यह बात नंगा पड़ गई, राम जी ने क्यों भगवान केवट अपना आगन ले चाल जा, अटके टे चार चक्कर तो पूरा कर दिया, तो भगवान केवट ने क्यों दादा भाई अत्रेदार हो गया, तो चार चक्कर तो अटे पूरा कर दिया, केवट क्यों भगवान चार चक्कर में घबरा गया, मान तो 84 लाख का चक्कर में नाग मिला हुआ कहीं को नहीं, कहने लगा हो गंगा मैया तेरी दवैया, मैं माजी रे मेरी काठ की नैया, जिसमें बेटे हैं मेरे सरिकार, गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो धीरे गंगा मैया। राम लखन गंगा तट आए, केवट उनको नाव चढ़ाए, राम लखन गंगा तट आए, केवट उनको नाव चढ़ाए, देखो बरसे हैं पुष्प अपार, गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो धीरे गंगा मैया। प्रभु जी दीनी लगे उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई,
भगवान श्री राम के कहने पर केवट उस पार ले गया और भगवान नाव से उतरे। प्रभु जी देने लगे उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। भगवान जैसे ही नाव से उतरे सीता जी की तरफ देखा और सीता जी एक इशारे में भगवान का इशारा समझ गई और अपनी अंगूठी निकाल कर राम जी को दी और राम जी ने लेकर केवट को दी कि ले भाई तेरी मजदूरी बराबर कर लेना। लेकिन केवट कहने लगा कि प्रभु मैं आपसे ये नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हरि नाई से नाई लेत धोबी से न धोबी देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो कि नाई से ना नाई लेत धोबी से ना धोबी देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो। लक्ष्मण जी क्यों कणो मुंडे लगायो हुए ना कणो मुंडे लगायो थे ना जात में भी लाइ थोड़ी दार में मुताम काको जी को कि नाई से ना नाई ले धोबी से ना धोबी देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़ी हो। लक्ष्मण जी यह बात क्यों तो केवट क्यों भगवान आप और मैं एक जाति का कौन राम जी और मैं एक जाति का राम जी क्यों किसान रे दादा भाई कि भगवान आप तो बहुत सागर को पार करवाते हो और मैं गंगा पार करवाता हूँ। भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन दोनों का काम तो एक ही है पार करवाना। इसीलिए भगवान मैं आपकी बिरादरी का हूँ क्योंकि काम तो एक ही आप भी बहु सागर को पार करवाते हो और मैं गंगा पार करवाता हूँ दोनों का काम एक ही। इसलिए कहा है कि प्रभु कि आए मेरे घाट में किया गंगा पार आऊ तेरे द्वार को भव सिंधु से तारियो आपका काम किया है आपको भी मेरा काम करना पड़ेगा। आई मेरे घाट मैंने किया गंगा पार और आऊं तेरे द्वार पर मुझको भव सिंधु से तारियो बोले आई मेरे घाट मैंने किया गंगा पार आऊं तेरे द्वार मुझको भव सिंधु से तारियो आऊं तेरे द्वार मुझको भव सिंधु से तारियो। मोहे भव से लगा दीजिए पार और जो भी भव सागर पार उतरना चाहते हैं केवट के साथ में बिल्कुल दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए कहेंगे ओ गंगा मैया धीरे बहो भक्त वसल भगवान की बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोले स्वर्गीय आत्मा की बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो।